तेरी आस ते चुकया कदम पहला तेरे नां नूं शर्मा सारियां ने तेरी मुश्किल कुशाई ते नाज करके बिना परां तो मारियां उडारियां ने दुद्धां बाज नहीं पकदी खीर मित्रो असां कीतियां कोशिशां सारियां ने ते जिन्हां ने मापियां नूं कंड कीती उहनां जित के बाज़ियां हारियां ने उहनां जित के बाज़ियां हारियां ने। अस्सलामु अलैकुम मेरे सज्जनों मित्रों बेलियो, मैं हूं आप लोगों का दोस्त वज़ीर अली और आप देख रहे हैं नफा एनिमल टीवी। आज की वीडियो बड़ी ख़ास है। आज इस वीडियो में हम दिखाएंगे कि हमारे दोस्त मोहम्मद अकरम उर्फ मुच्छाला चाचा, उनका ब्यूटीफुल डॉग है सन ऑफ नौलखिया। इस नौलखिए के लिए उन्होंने एक गाय रखी हुई है जो नौलखिया को ही उसका दूध जाता है या उसके बच्चे को, और दूसरा है नौलखिए सन ऑफ नौलखिया। तो हम उनसे गुजारिश करते हैं जनाब कौन सी वो गाय है जिससे माशाल्लाह। ये वाली गाय ओ बच्ची माशाल्लाह, ये वाली गाय जो उन्होंने नौलखिया का जो बेटा है उसके लिए मुकरर की हुई है, इसका सारा जो दूध है वो उसको पिलाते हैं। अच्छा, ये नस्ल कौन सी है? ये देसी गाय है, देसी धन्नी दी। नहीं आप कौन है? अगली देसी गाय अपनी दी। अच्छा, प्योर जो पहले वाली देसी हुआ करती थी वो है धन्नी दी नहीं। अच्छा, ये ब्यूटीफुल शानदार देसी गाय। अभी हम आपको दिखाते हैं डॉग जिसके लिए जरा थोड़ा सा कुत्ता खोलिए ताकि वो एक्सपोज कर लिया है अच्छा ये धौड़ वाले धौड़ते हैं। अच्छा, ये घिरले उसको क्या कहते हैं, जलसा गाड़ी पे भाजे। अच्छा, गाड़ी के में यानी के इसको जो गाड़ी उर्दू में क्या कहते हैं, रेसर जो लगाते हैं ना, वो वाले बैल हैं देसी नस्ल के। अच्छा, ये रेसर है। क्या बात। अच्छा, ये रेस के लिए तकरीबन ये इसकी कीमत क्या होगी? ए कीमत दी होगी जी लाख टू सवा लाख, लाख से सवा लाख लगभग। तो आप अभी हमें अपना डॉग दिखाइए, जरा इसको खोलिए। तो दोस्तों ये है ब्यूटीफुल शानदार डॉग सन ऑफ नौलखिया। सॉरी, हाँ बिल्कुल सन ऑफ नौलखिया। क्या बात है। असल में हम आजकल उर्दू में वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा सा बाहर ले चलते हैं उस साइड परली साइड पे ले चले, परली साइड पे। क्या बात है जी। मेरे सज्जनों मित्रों, ये है ब्यूटीफुल शानदार डॉग जिसके लिए गाय मुकरर की हुई है। बहुत ही ब्यूटीफुल डॉग है ये, जिसका नाम है प्योर देसी गाय थी और प्योर देसी डॉग है ये। अच्छा, इसकी उम्र कितनी हो गई है? 7 साल। क्या बात। और आपके पास कितना अरसा हो गया? इसका मेरी तरफ मुंह करें आप, आपके पास आए हुए कितना अरसा हो गया? 10 है। बस मुख्तसर से वीडियो बनाते हैं उनको। 6 महीने आपके पास आए हुए होंगे। तो दोस्तों ये था कुत्ता खान भाई। 6 महीने हो गए मेरे को। खान भाई हमारा जो चैनल है नफा एनिमल, उस पर लगेगी इंशाल्लाह वीडियो। क्या बात है जी, ब्यूटीफुल डॉग और ब्यूटीफुल। और जनाब क्या बात है, ब्यूटीफुल डॉग है तो माशाल्लाह। ये भी प्यार हो ही करता है वजीर अली भाई जी, मैं पप्पी करता है। अच्छा, ये पप्पी का बाप है जी, ये पप्पी तरह ही खेलता है तो पप्पी तरह ही प्यार करता है जी। माशाल्लाह, क्या बात। बड़ी खासियत ये है कि पैवन वाला या वड्डन वाला। अच्छा, ये क्या बात है, ये जैसे कि पप्पी नहीं किसी को काटता, ये भी नहीं काटता। ये भावे तुसी पकड़ लो भाई, शफीक पकड़ लवे, कोई भी भाई अजनबी आके न पकड़ सकता है। क्या बात। अच्छा दोस्तों, ये गाय का दूध वो किस तरह इनू पिलाया जाता है, इन्हां दे ओनर तू पूछने आ। ते अच्छा भी अपना भाई अकरम उर्फ मुच्छा वाली सरकार, ये जेड़ा ब्यूटीफुल डॉग है नौ लखा, जेड़ा नौ लखे का सका पुत्र है खान भाई दे पप्पी का प्यो है, ते इसनू दुध कच्चा पाते हो?
अच्छा दोस्तों एक टाइम पे आप 4 लीटर देते हैं दूध, इसको किससे कम देते हैं? लेकिन मैक्सिमम आप 3 से 2.5-3 लीटर दूध इसको देते हैं एक टाइम में। मतलब ये जिन्ना पी लवे ते बाकी जेड़ा है ये खूह है गा। अच्छा ये माशाल्लाह वजीर अली भाई इनका वेट भी तो तुसी देखो 100 केजी है, 100 केजी इसका वजन है और 4 किलो इनका दोवें टाइम दा। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या बात है जी। दोस्तों इनका 4 किलो है, 4 किलो उसले, 2 किलो उसले, 2 किलो उसले। ठीक है ठीक है, रोटी आदि मर्जी नाल खांदा, 2 खा लवे, 3 खा लवे, ना खावे ना खावे। साइड पे हो जाए ओए बेटा, घर में चले जाओ। क्या बात है, ब्यूटीफुल डॉग जिसका नाम मुच्छाले चाचे ने रखा हुआ है जबरू। इनका नाम से जी मोती। अच्छा इसका नाम मोती था पहले, ते चाचे मुच्छाले ने नाम रखा जबरू। जबरू। अच्छा खान भाई एक सवाल है जी, ये आया अपने कोले कदों दा है? इन आए नु जी अपने कोले हो गए नु 4 महीने हुण। ये लोगों ने सवाल अपने कोले करना है भी ये जानवर 9 लख दा सका पुत्र है ते ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਸੱਕਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਰੁਕਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ ਪੱਠੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀ ਇਹ ਨੈੱਟ ਤੇ ਤਾਂ ਆਵਿਆ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਫਿਲਮ ਬਣਾਵਿਆ ਭਾਈ ਵਜ਼ੀਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾਵਿਆ, ਤਲਾ ਭਾਈ ਬਣਾਵਿਆ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਬਣਾਵਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਯੂਟਿਊਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਾਵਣਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਯਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਲੜਿਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੜਾ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਇਹ ਖੜਾ ਸੀ ਹੈਡ ਸੁਲੇਮਾਨ ਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਬੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਾਨ ਭਾਈ ਥੋੜਾ ਸੀ ਸਾਈਡ ਪੇ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਠੇ ਠੁੱਕ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਾਬ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਜਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਲੱਡ ਲੈਣ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੈ ਵੀ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆਣੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਕੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੀਰ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਨੂੰ ਇਸੇ। ਲਓ ਜੀ ਸਜਣੋ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਰੁਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਆਪਨੇ ਕੁਰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਅੱਛੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਬਲੀ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਖਾਨ ਭਾਈ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਪਨੇ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦਾ? ਇਹਦਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲੇ ਖੂਹ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ ਕਿਸ ਸਾਈਡ ਪੇ ਹੈ? ਇਹ ਹੈਗਾ ਲੋਹਾਰਾ ਪਾਕ ਪਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਕ ਪਤਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪੱਟੀ ਵਾਲਾ ਖੂਹ? ਅੱਛਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ? ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਤੇਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ। ਅੱਛਾ ਮੈਥਾ ਇਕਬਾਲ ਨਹਿਰੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਟੀਕੇ ਲਾਏ ਨੂੰ। ਮੈਥਾ ਇਕਬਾਲ ਔਰ ਨਹਿਰੋ ਬਿਆਨ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਵਕਫੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਕੇ ਬਾਅਦ? ਜੀ 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, 5 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ 15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੇ ਤੇਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਬੱਜੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਪੱਠੇ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲਓ ਦੇਖੀਏ ਹੋਰ ਵੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਉਹ ਤੇਲ ਲਿਆ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਖਾਨ ਬਾਈ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਰੇੜੀ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੇੜੀ ਵੀ ਚੱਕ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਰੇੜੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਵਾਲੀ, ਖੋਤੀ ਰੇੜੀ ਨੂੰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਗਲਾ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਰੇੜੀ ਇਹ ਛਿੱਕੀ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰੇੜੀ ਛਿੱਕ ਲੈ ਸਰ ਵਜ਼ੀਰ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਰੇੜੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਟਾਇਰ ਖੋਲ ਦੋ ਤਾਂ ਵੀ ਥਰੂ ਲੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੈਡ ਦੇਖੇ, ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ 9 ਲੱਖੀ ਵਾਲਾ ਹੈਡ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਲ ਸੇ ਲੱਗ ਰਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 9 ਲੱਖੀ ਬਰੀਡ ਮੇ ਸੇ ਹੈ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਬਾਪ ਔਰ ਬੇਟੇ ਕਾ ਪਤਾ ਚਲਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਨ ਕੁੱਤੋਂ ਮੇ ਸੇ ਹੈ। ਬਰਹਾਲ 9 ਲੱਖੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਡੌਗ ਥਾ ਔਰ
उस कुत्ते ने पूरी दुनिया में पाकिस्तानी बोली को मनवाया और पहचान करवाई है नौलखिया ने। और दूसरी बात यह है कि ये कुत्ता हम क्यों रखते हैं, क्योंकि इससे बेहतर वफादार वाला वफादार चीज कोई है ही नहीं, जो एक टुकड़े के लिए एक दिन के खाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पे लगा के अपने मालिक के लिए जनाब ये नाम बनवाता है, उसकी रख उसकी यानी इज्जत बनवाता बनाता ये। दोस्तों उर्दू में कोई मसला हो, क्योंकि मैं उर्दू इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग जो पंजाबी हैं सॉरी सिंधी बलोची और जो हैं कि पश्तो वाले पश्तों ने उनको उर्दू समझ आती है, बाहर के ममालिक में भी उर्दू ज़्यादा समझी जाती है, इसलिए मैं उर्दू में बनाता हूँ। अगर मेरी उर्दू में कोई मिस्टेक हो तो इस तरह मेरी उर्दू भी बेहतर हो जाएगी। दोस्तों वीडियो का एंड करते हैं, मज़ीद क्या ख्याल है शफीक साहब? बिल्कुल जी, हमारे साथ शफीक साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, ये देखिए तो माशाल्लाह शफीक साहब क्या ख्याल है नाल ने जी? आज लाहौर तो माशाल्लाह आए ने ते बड़ा अच्छा लगे। वजीर अली भाई आज दी वीडियो तुसी इत्थे बंद करो ताकि दोस्तों दे अच्छा मैसेज जाए। मेरे सजनों मित्रों वीडियो का एंड करने से पहले आपको एक शेर सुनाते हैं। क्या बात है, आन दे वजीर अली भाई। किसी को राज मत देना अगर दुनिया में रहना है। हाय हाय क्या बात, किसी को राज मत देना अगर दुनिया में रहना है, दुनिया एक तमाशा है तुम्हें बदनाम कर देगी। क्या बात है, मजा आ गया जनाब। मेरे सज्जनों मित्रों इसी के साथ इजाजत चाहेंगे, अपना और अपने गरीब भाइयों का ख्याल कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।